हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। स्वागत है आपका रीमाज नॉर्थ एंड साउथ किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनती है। रबड़ी बनाने के लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है, उसको मैंने कढ़ाई में गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये थोड़ा बॉयल होने लगेगा ना, वो टाइम पे हम इसमें शुगर डालेंगे। मैंने इसमें आधा कप शुगर डाला है, आप चाहे तो कम शुगर भी डाल सकते हैं। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, आपको भी फुल फैट मिल्क ही लेना है, उससे हमारी रबड़ी अच्छी बनती है। जब हमारा चीनी का पानी जब खत्म हो जाएगा, वो टाइम पे हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। मैंने हरी इलायची को क्रश करके डाला है, आप मार्केट में जो इलायची पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं। ये जब अच्छा बॉयल हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा, वो टाइम पे हम इसमें ब्रेड पाउडर डालेंगे। मैंने दो ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है, उसके साइड पार्ट को निकाल कर। इससे हमारी रबड़ी बहुत जल्दी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। आप देखेंगे कितनी जल्दी हमारी रबड़ी रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी रबड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे मैंने इसमें एक पिंच टर्मरिक पाउडर डाला है, आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। वैसे केसर ही पड़ता है, बट मैंने केसर नहीं डाला है क्योंकि घर पे नहीं था, इसलिए मैंने केसर नहीं डाला। मैंने कलर के लिए सिर्फ टर्मरिक डाला है, इससे हमारा कलर अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं हमारी रबड़ी ठंडी होके रेडी हो चुकी है, ये थिक हो चुकी है। हमें ऐसी ही रबड़ी चाहिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने कुछ गुलाब की पत्तियों से इसको सजा दिया है, आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। आप ये रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।